हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए, हमने आज बनाया है चिकन कबाब। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए फ्रेंड, चिकन कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, चिकन कबाब बनाने के लिए हमने लिया है चिकन, बोनलेस चिकन है जिसको हमने अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, चिकन को हमने ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से हमें चिकन को ग्राइंड करना है। बहुत आसानी से मिक्सर जार में ये ग्राइंड हो जाएगा। और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ भी चिकन हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सारे चिकन को हमने ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक प्याज जिसको हमने बारीक कट कर लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया और दो मिर्ची है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, स्वाद अनुसार नमक लें, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, दो बड़े चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे आरारोट। आरारोट डालने के बाद एक अंडा डालेंगे हम इसके अंदर। आधे चम्मच डाल रहे हैं हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सभी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसका कबाब बना के रेडी कर लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड, अब हम इसका कबाब बनाएंगे। तो इस तरीके से आप जितना बड़ा साइज आपको पसंद है उतना बड़ा साइज आप ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप हथेलियों के सहारे इसको हमें शेप दे देना है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें सारे कबाब बना के रेडी कर लेना है। इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ भी कबाब हम बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारा कबाब हम पहले बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, चिकन कबाब बन के रेडी हो गया और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए फ्रेंड हमने लिया है फ्राई पैन, तो हम अच्छे से गरम कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, फ्राई पैन गरम हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। ऑयल हमें ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, सिर्फ मीडियम गरम करना है। और अब हम इसके अंदर कबाब फ्राई करेंगे और इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए, इसी तरीके से हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए फ्रेंड, चिकन कबाब एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब हम इसको दूसरी तरफ फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से पलट के दूसरी तरफ भी गोल्डन फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड, चिकन कबाब हमारा बनके रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब हम आपको चिकन कबाब सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गर्मा गर्म चिकन कबाब बनके रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको आप घर में आसानी से बना सकते हैं और हरे धनिया की चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं।
तो ये हमारी चिकन कबाब की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार इसको घर में जरूर ट्राई करिए, बहुत ही ज्यादा इजी है ये, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।